ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ में डीसीपी उत्तरी क्षेत्र रही सख्तर और एडीसीपी उत्तरी क्षेत्र प्राची सिंह की सख्ती से नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। डीएनएन से खास बातचीत में डीसीपी रही सख्तर ने बताया कि हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, रात्रि गश्त जारी है ताकि नाइट कर्फ्यू का पालन सही तरीके से कराया जा सके। डीसीपी रही अख्तर साहब, उनसे हम बात करेंगे कि नाइट कर्फ्यू का किस तरह से यहाँ पे पालन कराया जा रहा है और क्या चीजें हैं, किस तरह से, क्योंकि खुद निकले हुए हैं और लगातार मुस्तैद भी रहते हैं निरीक्षण के लिए। जी हाँ, ये अभी जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए, उसी क्रम में हम लोग नाइट में जगह जगह जो हमारे यहाँ मार्केट है वहाँ चेकिंग करा रहे हैं कि भीड़ भाड़ तो नहीं है कहीं पे, दुकानें कहीं खुली तो नहीं है। उसी सिलसिले में हम लोग अभी भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं, तो यहाँ सभी दुकानें बंद हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो रहा है। इससे पहले भी मैं महानगर में गया था, वहाँ पे भी सब लोग दुकानें बंद किए हुए हैं और लॉकडाउन 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लोग जागरूक हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और इसके प्रसार को रोकें, और हम लोग की भी यही कोशिश है। तो हम सब लोग मिल करके इस कोरोना को रोकने के लिए कुछ संकल्प हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जी, लखनऊ में सर 3000 केसेस आज निकले हैं, लगातार चीजें इस तरह, इस पे कैसे रोक लगेगा, जनता को किस तरह से हिदायत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में? नहीं, क्योंकि ये महामारी है कोरोना जी, इससे इसका प्रसार बहुत तेजी से होता है, खासकर आपस में थोड़ी दूरी पे भी कॉन्टेक्ट से ड्रॉपलेट की वजह से भी हो जा रहा है। तो कहीं कहीं जागरूकता का अभाव हो सकता है, दिन में कहीं चूक हो रही है, जिसकी वजह से वो चेंज चली आ रही है। हम लोग उसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जी, और बाकी सब डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रशासन हो चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सब लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रसार को रोक पाएं, और बहुत जल्दी हम लोग सफलता हासिल करेंगे इसमें भी। धन्यवाद। ये थे डीसीपी रही सख्तर साहब।